शेखावत की तरफ से कहा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर टिप्पणी की है, बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सहयोगी ने अब तो मुख्यमंत्री के सहयोगी भी स्वीकार कर रहे हैं। झांकना चाहिए राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती। मैं अभिनंदन करता हूँ तो मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम किसी ने भी सत्य बोलने का साहस तो राजस्थान में किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में मुख्यमंत्री के गृहनगर में विश्वविद्यालय में नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अबोध बालिका के साथ 7 वर्षीय बच्ची के साथ में स्कूल में जो है मोलेस्टेशन होता है, और एक बार नहीं कई बार होता है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में दलित के साथ में अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में थाने में रेप होता है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में निरपराध लोगों को रात को गला दर्द करके मार दिया जाता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि लारे बढ़ती तो दी के कोने डूंगर बढ़ती थी। राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से राजस्थान में रोज कोई कोई घटनाएं होती और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।